So I have started the recording, and today we will see the review questions again from unit number 5. What happened? Yes. Sorry. Okay. So what is the frequency modulation? First question. In the frequency modulation, the instantaneous frequency of the radio frequency carrier wave is varied in accordance with the signal information to be modulated on the wave, while the amplitude of the RF wave is held constant. तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो कैरियर वेव की है वो हम वेरी करते हैं, बट अदर पैरामीटर्स दैट इज़ फेज एंड एम्पलीट्यूड आर कॉन्स्टेंट. तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि वेन वी से द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, देन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर विल बी वेरीड, बट ऑल अदर पैरामीटर्स विल बी कॉन्स्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन. द अमाउंट ऑफ चेंज इन अ कैरियर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन और द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट. द अमाउंट ऑफ चेंज यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होती है मैक्स टू मैक्स, समझो प्लस माइनस 5 kHz चेंज होती है या प्लस माइनस 10 kHz चेंज होती है. सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन. स्टेट ट्रू ऑल फॉल्स. द लार्जर ऑफ द लार्जर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लेसर विल बी द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट और डेविएशन फ्रॉम द सेंटर फ्रीक्वेंसी. ये फॉल्स है क्योंकि लार्जर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लेसर विल बी द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट और डेविएशन फ्रॉम द सेंटर फ्रीक्वेंसी. यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की एम्पलीट्यूड अगर बढ़ रही है एज पर द फ्रीक्वेंसी, देन उसका फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी ज़्यादा रहेगा. ये ट्रू होना चाहिए था, इन्होंने फॉल्स लिखा है, इसलिए ये दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. डिफाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. यानी डेल एफ डिवाइडेड बाय एफ एम. एफ एम यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी. ओके, सो आई विल रिज्यूम द कैमरा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेविएशन रेशियो. द डेविएशन रेशियो, देर इज ऑलवेज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर द मैक्सिमम मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी. दिस इज नोन एज द डेविएशन रेशियो. स्टेट द इक्वेशन ऑफ द एफ एम वेव. ये हमने डिराइव कर चुके हैं यूनिट नंबर 3 में, सॉरी यूनिट नंबर 2 में. तो वही है अब एफ एम का वेव. एफ एम इक्वेशन इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा सी टी एम एफ साइन ओमेगा एम टी. ये देखो साइन का साइन आता है, इसीलिए हमने कौन सा टूल यूज़ किया है यहाँ पे, बेसल्स फंक्शन यूज़ किया है. आपको अगर आपको रिकॉल होता होगा, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं या अटेंड किए हैं, देखे यानी प्रीवियस लेक्चर्स मैंने सारे अपलोड करके रखे थे गूगल क्लासरूम पे. स्टेट टू ऑल फॉल्स. द बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. इट इज़ फॉल्स. ये कल हमने देखा था. देखो ये क्वेश्चंस में क्यों आपको डिटेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज फिर से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम हुई तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वो टाइम पे क्लिक नहीं होता है, और इस बार आई थिंक सो एग्ज़ाम में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बिकॉज देर वर सो मेनी क्वेश्चन अराइजेस ऑन व्हाट बाय द नेक कमिटी ऑन द यूनिवर्सिटी, कि हाउ यू कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑन द गूगल फॉर्म. गूगल फॉर्म पे आप एग्ज़ाम कैसे लिख सकते हो. तो इस बार आप वो गूगल फॉर्म वाला फंडा, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं अभी वो ऑफिशियल्स क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक पोर्टल होगा, वो पोर्टल पर आपको प्रॉक्टर्ड यानी कैमरा ऑन करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा. इस बार तो हम बहुत सारा सिंपल हो गया हमारा टास्क, कि डायरेक्टली हमने गूगल फॉर्म पे एग्ज़ाम दिया है. अभी वैसा नहीं होगा शायद से, सो इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ अभी. उसके बाद तो ये हमने देखा कि जैसे आपका मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज़ होगा, तो फिर
क्या होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा तो बैंडविड्थ भी बढ़ती है, क्योंकि नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम में यही देखा हमने, अगर नैरो बैंड एफएम है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन वन है, अगर वाइड बैंड एफएम है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है तो वाइड बैंड एफएम में भी क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है। ओके तो यही है। सो व्हाट इज़ द परसेंट मॉड्यूलेशन? द परसेंट मॉड्यूलेशन इज द रेशो ऑफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्रोड्यूस बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द मैक्सिमम अलाउएबल फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो इसको बोलते हैं परसेंट मॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंट मॉड्यूलेशन आ जाएगा समझ में। ओके उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर? इन रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर रिएक्टेंस ऑफ मॉड्यूलेटिंग डिवाइस इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू प्रोड्यूस द मॉड्यूलेटेड वेव। यानी ये एम्पलीट्यूड जो है, यानी फ्रीक्वेंसी इज कन्वर्टेड टू एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर। डिफाइन VCO, VCO यानी क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ये देखो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर VCO। डिफाइन प्री एम्फेसिस, प्री एम्फेसिस कल ही हमने देखा था कि प्री एम्फेसिस होता क्या है, कि हम आर्टिफिशियली सिग्नल को बूस्ट करते हैं ट्रांसमीटर साइड में, तो हो गया प्री एम्फेसिस। डी एम्फेसिस क्या होता है, जो भी सिग्नल हमने बूस्ट किया था, बूस्ट किया था यानी एम्पलीफायर लगा के उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी, अभी वो क्या होगा फिर से उसको कम करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट द डी एम्फेसिस। स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर। व्हाट इज डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर? द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज कीप्ड स्मॉल एंड द मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रॉम द ऑसिलेटर इज देन पास टू द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट विच इंक्रीजेज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी टू द डिजायर कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो ये मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर देखा है हमने कल स्टीरियो एफएम रिसीवर में। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्यों यूज़ होता है, गार्ड बैंड प्रोड्यूस करने के लिए। गार्ड बैंड क्या करता है कि सर्किट में या कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या नहीं आता है, वो नॉइज़ नहीं आने देता है। सो दैट इज़ नथिंग बट द गार्ड बैंड फ्रीक्वेंसी विच इज़ प्रोड्यूस बाय द एफएम मल्टीप्लायर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। उसके बाद व्हाट इज़ लिमिटेशन ऑफ द डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर? द लिमिटेशन ऑफ द डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर इज दैट बिकॉज ऑफ द वेरिएबल नेचर ऑफ द ट्यूनिंग ऑफ द टैंक सर्किट क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर कैनॉट बी यूज एंड देयरफॉर द स्टेबिलिटी इनहेरेंट सच क्रिस्टल कंट्रोल यूनिट्स नॉट अवेलेबल। तो डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर का क्या, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज, इसमें टैंक सर्किट लगा हुआ रहता है और टैंक सर्किट का पता है आपको कि फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होता है उसका, इसलिए उसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके व्हाट इज़ इनडायरेक्ट एफएम जनरेशन? अब इनडायरेक्ट एफएम जनरेशन हमने यस्टरडे देखा था कि जब फेज मॉड्यूलेशन यूज़ करके जब एफएम प्रोड्यूस होता है दैट इज़ नथिंग बट द इनडायरेक्ट एफएम जनरेशन। उसके बाद है स्टेट टू ऑल फॉल्स। फिर से द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज इनडायरेक्टली प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कैरियर इज फेज मॉड्यूलेटेड। यस करेक्ट है, ये ट्रू है। जब आप फेज मॉड्यूलेशन यूज करके एफएम प्रोड्यूस करते हो तो ये करेक्ट है, ट्रू है, उसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी साइड बैंड डिपेंड्स ऑन व्हाट? सो इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द फिक्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी साइड बैंड डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। करेक्ट, सारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का खेल है एफएम में, एएम में भी है, लेकिन एएम में प्रॉब्लम है ओवर मॉड्यूलेशन का। आपने अगर रिकॉल करते हो आप प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा ये। ओके उसके बाद इक्वलाइजेशन, ये सारे दो तीन क्वेश्चन है। उसके बाद लिस्ट द सम एडवांटेज ऑफ एफएम और एफएम, तीन एडवांटेज देखते हैं हम। बेटर नॉइज इम्यूनिटी, मैंने आपको जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था पूरा यूनिट तो मैंने ये आपको बताया था कि एफएम की इम्यूनिटी ज़्यादा है एएम से, कहाँ पे, नॉइज पे। ट्रांसमिटेड पावर इज मोर यूजफुल, लेस मॉड्यूलेटिंग पावर इज रिक्वायर्ड। नेप द ऑफ द इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेशन ऑफ एफएम क्या है, इनडायरेक्ट एफएम का जनरेशन का नाम आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, वही लिखा है यहाँ पे। विच इज़ मेथड इज़ यूज फॉर द कमर्शियल एफएम ट्रांसमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेशन। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड को प्रीफर क्यों किया जाता है, बिकॉज द
frequency stability. In which modulation system the modulation index is halved and modulating voltage remains constant when the modulating frequency is doubled? The modulation system is the frequency modulation. Defined wide by MFN, जहाँ पे modulation index की value more than 1 होती है, correct? कल देखा था हमने. What are the maximum permissible frequency deviation? And ये question है एक, उसमें लिखा है answer. The maximum permissible frequency deviation in such FM is 75 kHz with modulating frequencies raised 30 Hz to 15 kHz. Defined narrow band FM, जहाँ पे modulation index की value nearly unity होती है, less than 1 होती है. नियरली यूनिटी यानी लेस देन वन. अभी ये बुक के लैंग्वेज में बोला है, मैंने आपको सीधे एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज इन अ कन्वेंशनल नैरो बैंड एफएम? 3 kHz टू 5 kHz. व्हाट इज़ द आइडियल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ साइड बैंड प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम? कितने साइड बैंड्स होते हैं? आइडियली यानी थेरेटिकली इनफाइनाइट साइड बैंड होते हैं. यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था हमने, क्योंकि बेसल्स फंक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है. जस्ट लाइक अ लॉगरिदम, लॉगरिदम कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका एंड नहीं है कुछ भी. वैसे ही बेसल्स फंक्शन का भी एंड नहीं है. इसीलिए आइडियली जो नंबर ऑफ साइड बैंड्स है एफएम के, वो सबसे ज़्यादा होते हैं यानी इनफाइनाइट होते हैं. व्हाट इज़ द आइडियल वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ ऑफ एफएम? इज इनफाइनाइट बैंडविड्थ. व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज समटाइम्स रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट बैंडविड्थ सिस्टम? इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द बैंडविड्थ ऑक्युपाइड बाय द स्पेक्ट्रम अल्टर्स वेरी लिटिल, हेंस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज समटाइम्स रेफर्ड एज अ कॉन्स्टेंट बैंडविड्थ सिस्टम. यानी एक बार एक बैंडविड्थ फिक्स हो गई एफएम की, तो वो कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए उसको कॉन्स्टेंट बैंडविड्थ सिस्टम बोलते हैं. व्हाट इज द टोटल पावर ट्रांसमिटेड इन एफएम? इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इट इज बिकॉज यहाँ पे देखो, एफएम की पावर रिमेंस कांस्टेंट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड में कुछ भी चेंजेस नहीं है. देर आर नो चेंजेस इन द एम्पलीट्यूड, ओनली फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग. दैट्स व्हाई इसमें पावर भी कांस्टेंट होता है. कार्सन्स फार्मूला, बैंडविड्थ ऑफ एफएम, सो 2 × मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. डिफाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ पीएम, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ पीएम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैक्सिमम फेज चेंज टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग एफएम सिग्नल. Is there is effect of any change in the FM on the deviation of del? Explain. There is no effect of change in FM on the deviation del. Del depends on the values of FM. Okay. What is FM less susceptible to the noise? Very important. Noise affects the amplitude of the FM wave. But FM information is contained in the frequency changes. ये देखो सबसे important question है, question number 38. FM में noise क्यों नहीं आता है? इसका बहुत ही simple language में explanation है. देखो, नॉइज अफेक्ट्स एम्पलीट्यूड, नॉइज हमेशा एम्पलीट्यूड पे अफेक्ट करता है. बट इन एफएम द इंफॉर्मेशन इज कंटेंट इन द फ्रीक्वेंसी चेंजेस एंड नॉट इन द एम्पलीट्यूड वेरिएशन. एम्पलीट्यूड वेरिएशन में इंफॉर्मेशन थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, लेकिन एफएम में इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन में. और नॉइज किस पे अफेक्ट करता है? डायरेक्टली एएम पे या एम्पलीट्यूड पे. Hence, the amplitude distortion due to the noise does not affect the information being carried. How the modulation index affects the noise immunity of the FM wave? More the value of modulation index, more is the noise immunity. State to all for the varector diode used in a forward bias mode. Correct है क्या? बताओ, varector diode कौन से bias में use होता है? EDC का question है, इसका question ही नहीं है. Varector diode हमेशा reverse bias में use होता है. So that covers our complete discussion on our unit number 5. मैं थोड़े से आपको फिर ये भी question दिखा देता हूँ जो क्या है, objective questions है. ये देखो objective types, मैं upload कर दूँगा ये objective questions आपके Google Classroom पे. लेकिन इसके answers आपको ढूँढना पड़ेगा. answer भी दिए हैं. okay, 31 objective questions है, आंसर्स भी दिए हैं. अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये. ओके, तो ये मैंने आपको प्रीवियस जो डिस्कशन था उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस रिवाइज कराए हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अभी देखो हमारे पास आ गए, तो ये मैं आपको स्कैन करके PDF भेजता हूँ गूगल क्लासरूम पे. और एनी डिफ़िकल्टी अप टू दिस I will stop screen sharing now. कुछ difficulty है क्या आपको?
always Nikhil Sale, always only one student is replying. Okay, so no problem. मुझे बताओ, मैं जैसे अभी आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज करके दिए, ये प्रीवियस यूनिट के भी करते हैं क्या? एक दो तीन लेक्चर ज़्यादा लगेंगे हमें प्रीवियस। हाँ सर, ओके, तो कल हम देखते हैं, यही क्वेश्चन हम कल रिवाइज करेंगे। यानी यही नहीं, अभी प्रीवियस जो यूनिट हमारे कवर हो चुके हैं वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और हमारा एक ही यूनिट बचा है, वो जल्दी अभी 6 लेक्चर लगेंगे उसको, ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन आप, व्हाट इज़ योर टास्क? मैंने बोला था आपको कि जितने भी हमारा पार्ट हो चुका है उसकी ब्लॉक डायग्राम आपको PDF के फॉर्म में सबमिट करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यूनिट टेस्ट रहेंगी, लेकिन असाइनमेंट भी देने वाला हूँ मैं। असाइनमेंट कैसे होगा? डायग्राम्स आपको ड्रॉ करना है, डेरिवेशन जो भी है वो लिखना है, और उसका PDF स्कैन करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा टास्क नहीं बोला है मैंने आपको। डेरिवेशन हर एक यूनिट में आई थिंक 2-2 डेरिवेशन है, ज़्यादा नहीं है, 2-2 डेरिवेशन है हर एक यूनिट में। हर एक यूनिट में डायग्राम्स है, ओके, नो प्रॉब्लम अबाउट डायग्राम्स, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं बोला आपको। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम्स एंड स्कैन द PDF एंड सेंड PDF ऑन गूगल क्लासरूम, सो दैट वाइल गिविंग द इंटरनल मार्क्स देयर विल बी सम रिकॉर्ड फ्रॉम यूअर साइड दैट यू हैव सबमिटेड सम टर्म वर्क। ओके ओके, हैव यू डाउनलोडेड द मटेरियल वीडियोज ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स? अगर डाउनलोड नहीं किए है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि फिर से वही प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? मेरे वो गूगल ड्राइव की स्पेस ख़त्म होने को आ गई, तो आप सारे झूम के जो हमारे लेक्चर्स हुए, ये जितने भी दो महीने अभी हो गए समझो, ओके, डाउनलोड कर लिया, ओके, थैंक यू। तो आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूँ, और कल हम फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है? पहले प्रीवियस यूनिट के ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे, ओके? ओके, थैंक यू। Have a nice day. I will end the meeting.